साथियों जोहार, मैं देश के उन करोड़ों लोगों की तरफ सवाल करना चाहता हूं जिन्हें ताली बजाने, थाली बजाने और दिया बत्ती जलाकर नौटंकी में कोई रुचि नहीं है, बल्कि वो जानना चाहते हैं कि देश में आज की स्थिति क्या है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार किस तरह की पहल कर रही है। दोस्तों, आज सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया, जिनका प्रमुख काम सरकार से सवाल पूछना था, आज सरकार की गोदी में और संघ परिवार की गोदी में बैठकर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने में लगी हुई है। उस मीडिया से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सजग नागरिकों को, जो लोग सही में चाहते हैं इस देश में संविधान और कानून लागू हो, इस देश में हर व्यक्ति को न्याय मिले, उनको सवाल पूछना पड़ेगा। आज मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इसे सीधे 10 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा यह है कि कोरोना वायरस को आइसोलेट करने के लिए देश के 130 करोड़ लोगों के जांच की क्या योजना है आपके पास, या देशवासियों को सिर्फ मुक्तपूर्ण कार्यों में व्यस्त रखकर आप उनका एंटरटेन करना चाहते हैं ताकि लोग आपसे सवाल नहीं पूछ सके। दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमारे देश में अब तक कितना पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई गई है। तीसरा सवाल मेरा यह है, चूंकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच में लगे डॉक्टर, खासकर डॉक्टरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कई न सिर्फ डॉक्टर लेकिन और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी भी जो है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए आपके पास क्या योजना है। मेरा चौथा सवाल है, 18 जनवरी से 23 मार्च तक हमारे देश में 15 लाख लोग विदेशों से आए हैं। कैबिनेट सचिव ने इसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में पत्र लिखा था। इन लोगों की जांच अब तक क्यों नहीं हुई, इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इस देश में कोरोना वायरस को लेकर आया, तो आपने इस पर लापरवाही क्यों की, इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तो कहीं तय करना चाहिए, आपने क्या इसकी जिम्मेदारी तय की। पांचवा सवाल मेरा है कि देश की ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपने आज तक कौन कौन सा कदम उठाए उसको सुदृढ़ करने के लिए। छठवां सवाल है, देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन का अगला चरण के लिए आपने अब तक क्या तैयारियां की है। सातवां सवाल है, राहत कोष में अब तक कितनी राशि जमा हुई है और उन राशियों में कितनी राशि का खर्च किस मद में किया गया है, यह जनता जानना चाहती है। आठवां सवाल है, लॉकडाउन की वजह से अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे करोड़ों गरीब और मजदूर लोगों को खड़ा करने के लिए आपके पास क्या योजना है, क्योंकि अगला एक साल तक, कम से कम एक साल तक इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना बहुत जरूरी है। मेरा नौवां सवाल है, हमारे देश में ताली बजाकर, थाली बजाकर और दिया बत्ती जलाकर बड़े पैमाने पर उत्सव की तरह सॉलिडरिटी दिखाया गया, इसके बावजूद इसी देश में भूख से मरने की खबरें क्यों आ रही हैं,
इसका जिम्मेदार कौन है यह हम जानना चाहते हैं। दसवां सवाल यह है कि कोरोना वायरस के मसले पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने वाले मीडिया घरानों के ऊपर, उन बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की या उन पर कार्रवाई करने की क्या योजना है आपकी, हम जानना चाहते हैं मोदी जी। हम उम्मीद करते हैं इन सवालों का आप जवाब देंगे। और दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि ये पूरे सवालों को अब बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से पूछिए। सवाल पूछना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करना, देश को मजबूत करना है। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। हम सरकार को जवाबदेह इसी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि देश में नौटंकी चलने नहीं दिया जा सकता है। हमें जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उससे विजय पाने के लिए देशवासियों का 130 करोड़ लोगों का जांच करना होगा। ताली बजाने, थाली बजाने और दिया बत्ती जलाने से हम कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।